हेलो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज यार बहुत ही कमाल की चीजें मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। पहले डिक्की में से ये बॉक्स निकाल लेता हूँ। ये बॉक्स के अंदर है आरसी वाटर जेट्स की का पूरा कलेक्शन। इसकी वीडियो में ये सारे जेट्स की को करेंगे अनबॉक्स और इनको आज पानी के ऊपर भी चलाएंगे। गाइस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। तो बॉक्स को अभी सीधा लेके चलते हैं ये टावर के ऊपर, यहां पर जाकर अनबॉक्स करेंगे। इसमें से थोड़ी चीजें मैंने बैंगलोर से भी खरीदी है और अमेजोन से भी खरीदी है, इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहां से आप खरीद सकते हो। ये टावर के ऊपर मैं चढ़ने वाला हूँ। यार देख रहे हो टावर काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, टावर के ऊपर मैं आ चुका हूँ। ये है हमारा बॉक्स, बॉक्स को रखते हैं इधर। अभी खोलते हैं ये बॉक्स को। यार आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो। ये बॉक्स इधर से ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ये लो यार, ओहो यहाँ पे देखो पैकिंग काफी सही मेरे को लग रही है। अच्छा ये है सबसे बड़ी वाली वाटर जेट्स की जो कि मैंने कल ही खरीदी है, और भी मेरे पास जेट्स की है उसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। पहले इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। तक मेरे पास जितने भी जेट्स की है उनके अंदर लगा था प्रोपेलर, पर ये वाली जेट्स की के अंदर लगाया गया है टर्बो जेट सिमुलेशन। इसके अंदर तीन अलग अलग मोड्स मिलते हैं, यानी कि आप इसको लो स्पीड, हाई स्पीड, फास्ट पे भी चला सकते हो। यहाँ पे इस तरीके की बैटरी मिलती है। इसके अंदर फ्रंट में और रियर में नेविगेशन लाइट्स भी दी गई है। अगर ये पानी के ऊपर पलट भी जाती है तो एक बटन दबाने से अपने आप को सीधा भी कर सकती है। ये सारे फीचर्स ये जेट स्की के अंदर दिए गए हैं। बॉक्स जो है इधर से ओपन हो जाता है, इधर से इसको खोल लेते हैं। अरे भाई इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मेरे पास अभी जो मैंने आपको तीन जेट स्की बताए उनसे इसका साइज दो गुना ज़्यादा बड़ा मेरे को लग रहा है। तो यहाँ से पहले इसको मैं निकाल लेता हूँ। पैकिंग भी इसकी काफ़ी कमाल की मेरे को लग रही है। यहाँ पे देखो प्रोटेक्शन के लिए ये भी लगाया गया है, पीछे की तरफ भी लगाया गया है। यार तो और ये बॉक्स के अंदर क्या क्या है ये दिखा देता हूँ, फिर हमारी जेट स्की के बारे में बात करते हैं। ये एक प्लग है, ये इसकी रिचार्जेबल बैटरी है, काफ़ी हैवी बैटरी दी गई है इसके साथ क्योंकि इसका साइज़ तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे इसका रिमोट होगा शायद, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ एक बार बाहर। ओहो यहाँ पे कार्बन फिनिश दी गई है ऊपर की तरफ, इसके कंट्रोल्स है बहुत अच्छी क्वालिटी का मेरे को लग रहा है। अब बात करते हैं ये जेट स्की के बारे में। यहाँ पे हैंडल है, आप चाहे तो इसके ऊपर एक राइडर भी बिठा सकते हो। सामने की तरफ इसके लाइट्स है, पीछे की तरफ भी यहाँ पे एक लाइट्स दी गई है ताकि आप इसको नाइट में भी चला सको। सबसे खास चीज ये इसका टर्बो जेट सिस्टम लगा हुआ है। यार इससे पता चलता है कि ये जेट्स की कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, यहाँ से ये पानी को सक करके बाहर की तरफ फेंकती है। बाकी इसके अंदर तीन और जेट्स की है, इनको मैंने बॉक्स के अंदर से पहले ही निकाल लिया है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो सके। तो ये वाली जेट्स की को मैं एक बार ओपन करके बता देता हूँ। इसको मैंने लगभग 2000 रुपीज़ में खरीदा था और ये जेट्स की करीबन 10,000 रुपयों की है। ये यहाँ से मैं इसको ओपन कर दूंगा। ओके मेरे पास पहले भी इस तरीके की जेट्स की हुआ करती थी पर वो पानी में बार बार चलाने के कारण खराब हो गई थी, तो फिर से मैंने खरीद ली है। ये 2024 वाला मॉडल है, पुराने वाले मॉडल के मुकाबले में इसका वेट काफी ज्यादा दिया गया है। बाकी इन तीनों को अगर मैं साइड बाय साइड रखूं तो क्लियरली देख सकते हो तीनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, पर ये इनकी बाप मेरे को लग रही है गाइस। बाकी देखते हैं आज क्या ये जेट्स की इन तीनों को हरा पाएगी या फिर नहीं। एक टर्बो जेट वाली बोट भी मैं लेके आ चुका हूँ क्योंकि यार टर्बो इसके अंदर भी है, टर्बो इसके अंदर भी है। देखते हैं दोनों के बीच में रेस और टग ऑफ वॉर वगैरह करा के दोनों में से कौन जीतता है। बाकी मेरे पास एक बड़ा सा सर्फर बोट भी है, आज इसको भी चलाते हैं। इसकी पावर के बारे में तो यार हर कोई जानता ही है, बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है इसकी। जो अब चलते हैं तालाब के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा फिसलन होगा गाइस, देख संभल के मैं अंदर जाने वाला हूँ। बाकी इधर ये जो पत्थर नजर आ रहे हैं ना, इनके बीच में इस तरीके का रास्ता बना हुआ है। दिखने में तो यार ये एक नेचुरल ट्रैक के जैसा दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, आज हमारे पास जितनी भी बोट्स जितनी भी जेट्स की है उनको ये संकरे से रास्ते के बीच में मैं चला के देखने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हो इतना सा एक रास्ता बना हुआ है। ओ भाई इधर तो देखो यार, ऊपर पत्थर है, साइडों में भी पत्थर है, बीच में से एक रास्ता जा रहा है। इधर से भी हमारी बोट्स को चला के मैं देखने वाला हूँ भाई।
तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। देखते हैं ये नेचुरल ट्रैक में से आज कौन सी जेट स्की या फिर कौन सी बोट जीतती है। ठीक है, सबसे पहले ये जेट स्की को मैं चलाने वाला हूँ। देखते हैं गाइस ये कितने अच्छे से चलती है, एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके, डायरेक्शन सही तरीके से काम कर रहा है। बाकी मोटर देख लेते हैं, भाई इसका टर्बो जेट भी बहुत मस्त तरीके से काम कर रहा है। अब इसको सीधा फेंकते हैं पानी के अंदर, चलो चलाते हैं गाइस। यहाँ पे इसका स्पीड कंट्रोलर है, ठीक है, ये भी लो स्पीड है, ये मीडियम है, ये हाई है। अब इसको सीधा हाई स्पीड में मैं चलाने वाला हूँ गाइस, चलाते हैं। वो भाई साहब क्या स्पीड है यार, ये देखो कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है इसकी। अरे बाप रे गाइस, इतना अच्छा तो कोई बोट भी नहीं चलती है यार पानी के अंदर, पर इसकी स्पीड, इसकी कंट्रोलिंग एकदम लाजवाब लगी मेरे को। ओ भाई साहब मजा आ रहा है यार इसको चलाने में, इतने छोटे से एरिया में टर्न हो रही है, बूम, अरे सीधा पत्थर के ऊपर चढ़ चुकी है ये। अब देखते हैं इसका जो टर्बो जेट है कितनी दूर तक पानी को फेंक पाएगा। ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये डुबो दिया गाइस मैंने इसको। अरे भाई ये देखो, यहाँ तो एक वाटर पंप चालू हो चुका है, मजा आ गया गाइस। ये एक बटन है, अभी देखो गाइस ये बटन कैसे काम करता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मान लो कि हमारी जेट स्की पानी के ऊपर पलट चुकी है, अब देखो गाइस एक बार ये बटन मैं दबाऊंगा तो ये अपने आप सीधा हो जाएगी। ये फीचर इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा कूल लगा। ठीक है, इन दोनों के अंदर जेट पंप दिया गया है, अभी दोनों का जेट पंप टेस्ट करते हैं कौन कितनी दूर तक पानी को फेंक पाएगा। ओके स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। ये दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। ओहो भाई देख रहे हो गाइस, दोनों के जेट पंप बहुत ज्यादा पावरफुल है। बाकी ये जो हमारी मिलिट्री बोट है इसका जेट पंप काफी दूर तक जा रहा है। ओके गाइस, अब इन दोनों के बीच में मैं रेस कराने वाला हूँ, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है, किसका टर्बो जेट सबसे पावरफुल है, अभी पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। ओ भाई रेस स्टार्ट हो चुकी है, मिलिट्री जेट काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। अभी दोनों को यहाँ से टर्न कराते हैं और दोनों ने काफी इजिली टर्न ले लिया है। वो भाई साहब ये क्या हो चुका है, मेरे को लगा था कि ये बोट आराम से जीत जाएगी, पर टर्न होते समय इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो चुकी थी। इसी बात का फायदा उठाकर हमारी नई जेट्स की रेस को जीत चुकी है। अब देखो गाइस ये 10,000 वाली जेट्स की हम लोग रेस कराने वाले हैं, ये सस्ती सी जेट्स की के साथ। 3 2 1 स्टार्ट। ओए ये क्या हो गया यार, हमारी छोटी जेट्स की बहुत ज्यादा स्लो है। अरे भाई मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतनी स्लो चलेगी। ओ माय गॉड, टर्बो जेट जेट्स की एक राउंड भी लगा के वापस आ चुकी है, तो इसको भी मैं यहाँ से टर्न करा लेता हूँ। अब ये 2,000 वाली जेट्स की रेस लगाते हैं, ये महंगी जेट्स की के साथ, देखते हैं गाइस क्या ये इसको हरा पाएगी या फिर नहीं। 2 1 स्टार्ट। रेस स्टार्ट हो चुकी है। अरे भाई ये क्या हो गया, इसकी तो डायरेक्शन चेंज हो गई थी, हमारे टर्बो जेट जेट्स की ने इसको जैसे ही टक्कर मारी है। ओ माय गॉड ये तो बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है। अरे भाई क्लियरली यहाँ पे हमारी महंगी वाली जेट्स की जीत चुकी है। ओके यार ये जेट्स की तो भाई बार बार जीत रही थी, अब देखते हैं क्या ये सर्फिंग बोर्ड को भी रेस में हरा पाएगी या फिर नहीं। दोनों को मैंने यहाँ पे रख दिया है, स्टार्ट करते हैं गाइस दोनों के बीच में रेस। 3 2 1 स्टार्ट। रेस स्टार्ट हो चुकी है। ओ भाई अरे यार दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे, बीच में काफी कांटे की टक्कर चल रही है, दोनों को टर्न करा लिया मैंने। यहाँ पे सर्फिंग बोर्ड की हालत थोड़ी सी खराब मेरे को लग रही है क्योंकि इसका बैलेंस थोड़ा सा खराब हो गया था। ओ माय गॉड गाइस देख लिया ना आप लोगों ने, ये जेट स्की भाई एकदम बवाल चीज है, इसने तो यार इतने बड़े सर्फिंग बोर्ड को ही आज रेस में हरा दिया है। तो आप देखो गाइस एक बहुत ही कमाल की चीज मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक बहुत बड़ा पत्थर, इसको मैंने डाल दिया है ये प्लास्टिक के टब के अंदर। अब एक काम करते हैं, ये टब को डालते हैं पानी के अंदर, फिर हमारी बोट्स को बांधेंगे रस्सी से, देखते हैं गाइस क्या ये इतने बड़े टब को खींच पाएगी या फिर नहीं। ये पत्थर है मेरे पास 20 किलो का, इसको बैलेंस करना भी थोड़ा सा ट्रिकी मेरे को लग रहा है, पर काफी बड़ा मेरे को मिल चुका है यहाँ पे। ओए 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 ओए, अगर यार जरा भी मिस्टेक होगी ना तो हमारी बोट भी ये पत्थर और ये टब के साथ पानी के अंदर डूब सकती है, ये तो भाई काफी खतरनाक होगा ऐसा मेरे को लग रहा है। पहले ये सस्ती जेट्स की के साथ वेट पुल टेस्ट कराते हैं।
देखते हैं गाइस क्या ये जेट स्की इसको खींच पाएगी या फिर नहीं। स्टार्ट करते हैं। ओए ये तो पलट ही गई यार, ये जेट स्की के अंदर भी इतना पावर नहीं है कि ये वेट को खींच सके। ठीक है अब ये स्कॉर्पियन जेट स्की को टेस्ट करते हैं। इसका तो बैलेंस खराब हो रहा है, ये पूरी पावर लगाकर इसको खींचने की कोशिश कर रही है। ओ भाई देखो नहीं खींच पा रही है गाइस, ये इसको लेकर सिर्फ गोल गोल घूम रही है, बाकी आगे तो नहीं बढ़ पा रही है। मेरे को नहीं लगता गाइस ये इसको खींचेगी। अब टर्बो जेट स्की के पीछे बांध देते हैं वेट, देखते हैं गाइस क्या ये खींचेगी या फिर नहीं। बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है, कहीं ये डूब ना जाए यार। ओए भाई साहब इसकी पावर एकदम लाजवाब है यार, देखो बहुत ज्यादा आसानी से इसको ये खींच के लेके जा रही है। ओ माय गॉड भाई इधर से टर्न करा लेते हैं इसको। ओए ये टब काफी ज्यादा अनबैलेंस हो रहा है यार, ये अब फुल पावर मैं देने वाला हूँ हमारी जेट स्की के अंदर। अरे बाप रे क्या ही चीज है यार ये जेट स्की। तो अब इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं, देखते हैं गाइस किसका टर्बो जेट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ये लो भाई दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है, मिलिट्री टर्बो जेट थोड़ी सी पावरफुल मेरे को लग रही है। अरे यार थोड़ी नहीं, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, देखो ओहो यहाँ तक इसको ये खींच के लेके जा चुकी है। मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा गाइस, क्योंकि अपनी टर्बो जेट स्की ने इसको तो रेस में काफी दूरी से हरा दिया था, पर क्लियरली पावर के मामले में यहाँ पे मिलिट्री टर्बो जेट बहुत ज्यादा पावरफुल निकली। ठीक है सबसे पहले नेचुरल ट्रैक के ऊपर चलाते हैं हमारी टर्बो जेट स्की को, देखते हैं गाइस ये चलती है या फिर नहीं। ओए ये तो बहुत ही संकरा सा रास्ता है, ये नहीं निकल पा रही है दोस्तों इसके बीच में से, यहाँ पर आकर ये फंस चुकी है कम्प्लीटली। ओ भाई ये तो गड़बड़ हो गई यार, देखो ना तो ये पीछे आ रही है ना तो आगे जा पा रही है। ठीक है अब ये सस्ती सी जेट स्की को चला के देखते हैं गाइस ये इन पत्थरों के बीच में से निकल पाएगी या फिर नहीं। ओ भाई ये तो निकल गई काफी आसानी से, अभी देखो यहाँ पे पत्थर है। ओ भाई ये तो गड़बड़ हो गई यार, अगर यहाँ पे इसके अंदर टर्बो जेट होता तो मेरे को लगता है निकल जाएगी, पर इसके जो प्रोपेलर है अभी पत्थर से टकरा रहे हैं, देखो ना तो ये पीछे आ रही है ना तो आगे जा पा रही है। अब ये स्कॉर्पियन जेट स्की को चला के देखते हैं गाइस ये हमारे नेचुरल ट्रैक के ऊपर कितनी दूर तक चल पाएगी। यहाँ से टर्न कराते हैं, थोड़ा सा इसको मैंने रिवर्स कर दिया है, मेरे को लग रहा है कि कहीं ये यहीं पे ही फंस ना जाए। ओके निकल चुकी है गाइस कोई दिक्कत है नहीं, तो अब इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आकर एक और जेट स्की फंस गई थी, देखते हैं गाइस इधर से निकल पाएगी या फिर नहीं। ओके पत्थर के ऊपर तो चढ़ाई कर दी इसने, ये लो भाई इसके अंदर भी सेम दिक्कत है, इसके प्रोपेलर्स ये पत्थर से टकरा रहे हैं, इस वजह से देखो ये आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो सैडली इसको भी अभी साइड में हटाते हैं। ठीक है अब ये सबसे लास्ट वाली टर्बो जेट मेरे पास बची है, देखते हैं गाइस क्या ये रास्ते पे से ये निकल पाएगी या फिर नहीं। आ रहा हूं मैं। ओए ये इधर आके फंस रही है गाइस, थोड़ा सा पीछे लेके स्पीड में निकालते हैं, फिर एक बार ट्राई करते हैं। ओए निकल गई, ओ माय गॉड ये निकल गई भाई, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं, अभी यहाँ पे देखो, अरे बाप रे काफी इजीली यहाँ से तो निकल चुकी है तैर के। ओ माय गॉड इसका टर्बो जेट सच में यार काफी ज्यादा पावरफुल है, अभी देखो यहाँ से मेरे को इसको टर्न कराना पड़ेगा। अरे भाई क्या ही पावर दी गई है इसके अंदर, और इसकी कंट्रोलिंग भी देखो यार कितनी ज्यादा मस्त है, मैं इसको जहाँ पे टर्न कर रहा हूँ प्रॉपरली वहीं पे ये टर्न हो रही है। अब इसको थोड़ा सा मैं रिवर्स कर लेता हूँ और ये इधर से भी निकल चुकी है, भाई मजा आ गया। और दोस्तों आप लोगों ने देख लिया ना आज के हमारे ट्रैक की चैंपियन है मिलिट्री टर्बो जेट। ठीक है आज मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शाउट आउट, पहला नाम है अफरोज, राज, जतिन, बिबू दत्ता, विक्रम, विनायक, मानस, अब्दुल्ला, कृष्णा, रौनक। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।